तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई रिवॉल्व सर्विस, ठीक है। क्लोज नहीं करना इसको, ठीक है। ऊपर स्केच रखना है। सरफेस के अंदर ये सरफेस है वो सॉलिड बनाता है, वहाँ पे ओपन स्केच नहीं चलेगा। ओपन स्केच ही बनाएगा तो थिकनेस में बनाएगा, यहाँ सरफेस बनेगी, यही फर्क है बस। कंपनी में ज़्यादा यूज़ कौन सा होता है? अगर क्रिटिकल मॉडल होगा ना तो फिर सरफेस का यूज होगा। ठीक है, अब इस पर हमें डिज़ाइन देना अपना। फ्रंट प्लेन लिया, स्केच कर दिया, यहाँ दिया हमने, बंद है भाई। यार बन गई ना, यहाँ लगाना प्लेन है, डैटम प्लेन पॉइंट और लाइन। सरफेस के अंदर क्या करोगे इसको? स्वैप्ड सरफेस प्रोफाइल इस सरफेस के अंदर जो बॉटल का एरिया आ रहा है ना वो रिमूव करवाना है। हम करेंगे ट्रिम सरफेस, पहले टूल होगा ये, फिर रिमूव हमें क्या करना है भाई, ये पार्ट करना, ठीक है। दोबारा से ट्रिम, अब बॉटल को टूल बनाना है और ये एक्स्ट्रा पार्ट रिमूव करना है, वहाँ हमारा कट बन जाएगा। ठीक है, इसी कट को आप पैटर्न कर सकते हो, फीचर्स के अंदर जाके सर्कुलर पैटर्न, बॉडीज टू पैटर्न, आइटम यहाँ डाल देंगे। लेकिन क्या है, सरफेस आपका पैटर्न हो गया ना, ट्रिम पैटर्न नहीं होती कभी भी, क्योंकि ट्रिम अनविजिबल कमांड है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपको क्या है, एक एक बार सबको ट्रिम करना पड़ेगा और एक बार में चीज़ एक ही ट्रिम हो गई है, ठीक है। ट्रिम, अब ये जो ब्लू कलर का सरफेस दिख रहा है ना, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, सेलेक्ट अदर, ये वाला सरफेस टूल बनाना है और फिर इसको रिमूव करना है। ओके, ट्रिम सरफेस, राइट क्लिक, सेलेक्ट अदर, टूल, रिमूव। सेलेक्ट अदर से क्या होता है ना, वो पीछे का पार्ट दिखा देता है सारा, ठीक है, सिलेक्शन करने में आसानी हो जाती है। ठीक है जी, ढक्कन कैसे बनाएंगे सर? ढक्कन, ढक्कन रिवॉल्व से बनाएगा और उसको प्लेन लगा देंगे रेफरेंस पे। सरफेस में गए, कर्व में प्रोजेक्ट कर्व, स्प्लाइन को इस बॉटल के ऊपर, पूरी
बॉटल के ऊपर आ गई ना कर्व, ये तब आएगी जब आपका बॉटल से एक्स्ट्रा होगी हमारी स्प्लाइन। ठीक है, मिड प्लेन लिया, स्केच कर दिया हमने सर्कल, सरफेस में गए, स्वैप सरफेस, प्रोफाइल एंड पावर। ट्रिम टूल एंड रिमूव, फिर ट्रिम, इस पर राइट क्लिक किया, सेलेक्ट कर दिया, वो अंदर की सरफेस ये है, फिर इसी को रिमूव करना है। ठीक है, सबको क्या करोगे भाई, अब नेट कर देना है, एक साथ सबको मर्ज कर देंगे, मर्ज। इसके बाद आप फिर फ्लिट लगाओगे सबको, थ्रेड काटनी है सरफेस पे, एक डैटम प्लेन लगा दो, स्केच कर देना इस पे, कन्वर्ट एंटिटीज सर्कल पर। इस पे क्या लगाओगे, हेलिक्स, ठीक है, स्केच में जाके 3D स्केच फिर से कन्वर्ट करना है, किसको, हेलिक्स को। अब यहाँ बनानी है आर्क, इस पॉइंट से टैब दबा के पहले डायरेक्शन चेंज करो उसकी, इस डायरेक्शन में बनानी है, इन दोनों को टेंजेंट कर देना, ये कार हम नीचे बनाएंगे। इसको भी टेंजेंट कर देना इसके, ठीक है जी। प्लेन किसी भी एक पॉइंट के ऊपर बना देना, फाइल या सर्कल बना देंगे, सर्फ सर्फेस, ट्रिम टूल इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं।
चाहिए था फ्लिप डोर। स्केचबुक है बोलो, उसमें एक एंडलेस स्प्रिंग है, एंडलेस तो है उसको कैसे बनाओगे देखो। ये एक सर्कल बना लिया ठीक है भाई, इसका ये मिड प्लेन, यहाँ एक लाइन खींच देनी है, ठीक है। सरफेस में गए, सरफेस प्रोफाइल दिया और पाथ, ठीक है। ऑप्शंस में जाओ, फॉलो पाथ के अंदर जाना, यहाँ पे ऑप्शन आएगा ट्विस्ट अलोंग पाथ। डिग्री की जगह मैंने टर्न रख लिया, कितने टर्न दिखाने हैं आपको भाई, 10। ठीक है, फिर इसके बीच वाले प्लेन पे हमने स्केच कर दिया, यहाँ एक सर्कल बनाया, लाया ज्यादा बड़ा हो लाया छोटा हो, इस सरफेस को हाइड करो, इंसर्ट में जाना है, फीचर्स के अंदर जाओगे, मूव एंड कॉपी, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से रोटेट कर दिया, कॉपी बनानी है, ठीक है, कलर वगैरह जो भी चाहिए आप यहाँ से। ये बनाने भाई